आज हमारे एरिया में जो है ना वो एक शिप का बच्चा आ गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब शिप के बच्चे को क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हम तो भेड़ कहते हैं। तो वो आ गया था तो मैंने उसको फिल्माया, मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा था वो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो जी यहाँ पर देख लेते हैं कि सोने से पहले जो है मेरा रूटीन क्या रहता है। तो मैं जो है वो गुड्डा को देती हूँ अश्वगंधा आंवले, और सांप को भी मैं यही देती हूँ। तो ये मैं देती हूँ गर्म दूध के साथ। अच्छा, अश्वगंधा आंवले की एक बात मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये हमारी बॉडी को गर्म नहीं करता है। अश्वगंधा गर्म होता है, लेकिन अश्वगंधा आंवले जो है वो मादिल होता है, तो ये लेना चाहिए। और शतावर भी जो है मैं इन दोनों को देती हूँ, यानी गुड्डा को भी देती हूँ और सांप को भी देती हूँ। तो शतावर भी बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। ये सभी चीजें बेसिकली इम्यूनो बूस्टर है। तो अगर आप ये लेते हैं और इनका इंटेक आप करते हैं महीने 3 महीने, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वाकई बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। तो ये भी मैं देती हूँ गुड्डा को। मिकदार बता देती हूँ, बिल्कुल हाफ टी स्पून से कम जो है वो मैं गुड्डा को देती हूँ, और 1 टी स्पून करीब जो है वो मैं साहब को देती हूँ। ये दोनों चीजें देने के बाद आप जो है वो गर्म दूध बच्चे को दे दें और बस सुला दें। उसके बाद मैं क्या लेती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जो व्लॉग देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अभी एक रिसेंटली कोर्स करा था, तो मेरा डेली आना जाना था, इस वजह से मुझे काफी टैनिंग हो गई थी। तो मैंने एक रेमेडी जो है वो शेयर करी है चैनल पर, तो वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप देखिएगा। तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही मैं कुछ मेडिसिन इनटेक करती हूँ जिससे मेरा मोटापा भी नहीं बढ़ता है, मेरी स्किन भी अच्छी रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में एनर्जी है। उसमें से एक चीज जो है वो ये है, ये गुड़च्यादि घनवट्टी है जो कि बैद्यनाथ की है, तो ये मैं जरूर लेती हूँ। इससे मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होता है, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है कि अगर मैं थोड़ा सा भी सॉल्ट ज़्यादा खा लूँ या मैं ठंडा खा लूँ तो मुझे म्यूकस जनरेट होने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि फेस का जो एरिया है ना वो ऐसा लगता है कि काफ़ी फूल गया है। मतलब बॉडी इतनी मोटी नहीं दिखती, लेकिन चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत मोटी हूँ। तो जिन लोगों को ये तकलीफ है वो ये ले सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी टैबलेट है मेदोलिन। ये भी एक वेट रिड्यूसर टैबलेट है। हालांकि इन दोनों चीज़ों को लेने से वेट रिड्यूस नहीं होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, वो एक्सरसाइज करने से और अच्छी डाइट लेने से ही होता है। हाँ, लेकिन ये मेडिसिन क्या करती है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। आपने सुना होगा बुजुर्ग लोग कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे तो दुबले होगे। वो अच्छा खाने से मतलब ये नहीं था कि हम बहुत ज्यादा खाएं और घी और तेल और मसाले खाएं, वो ये था कि हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारी बोन्स, हमारे टिश्यूज जो है वो मजबूत हों। आपने देखा होगा पुराने लोग ताकतवर चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते थे, खजूर खाते थे, गुड़ खाते थे, चना खाते थे। उनके टाइम में तो ये सब चीजें नहीं थी। तो ये खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी ऑलरेडी जो है वो स्लिमिंग की तरफ जाती है और स्किन अच्छी होती है। सेकंड है ये कोलेजन टैबलेट। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है और एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन भी नहीं है। अभी आप देखें मैं ये टैबलेट निकालकर आपके सामने ही इंटेक करूंगी। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड है, मतलब ये खत्म ही है। इसके अंदर मैंने एक और चीज कर रखी है, वो ये कर रखी है कि विटामिन सी की टैबलेट के और कैल्शियम की टैबलेट के जो है वो मैंने टुकड़े कर रखे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये एक बॉटल में रखना सेफ है या नहीं, लेकिन मैं सालों से ऐसा कर रही हूँ और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं ये करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लूंगी कोलेजन टैबलेट और एक जो है वो लूंगी मैं विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड, और हाफ टुकड़ा जो है वो मैं लूंगी कैल्शियम का। तो विटामिन सी और कैल्शियम ये 500 mg की है, तो मुझे इतना ज्यादा कैल्शियम नहीं लेना है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप आधी भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों के दिल में ये चीज आ रही होगी कि मैं मल्टी विटामिन क्यों नहीं ले रही हूँ। तो देखिए, मैं मल्टी विटामिन इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में अभी जो है वो कैल्शियम का थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है, और दूसरा टैनिंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है मैं विटामिन सी को लेना ज्यादा पसंद करती हूँ। विटामिन सी और कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं मल्टी विटामिन ना लेते हुए वो ले रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा है। हाँ, यहाँ पे विटामिन सी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूंगी, आपको ही बहुत महंगा विटामिन सी लेने की नीड नहीं है। ये आप जाए किसी भी डिस्पेंसरी में, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाएं, वहां आपको 500 mg का स्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो मेरे ख्याल से कि ये जो है एक अच्छा ऑप्शन है विटामिन सी का, कोई आपको 2000 5000 इस तरह का विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं है।
सो आप ये करें, क्योंकि मैं तो रात में यही करती हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि टैनिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड स्क्रीन पे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और ये सभी चीजों के नाम जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देखिएगा। अच्छा, मैंने जिक्र करा था कि मैंने मम्मी के साथ जाकर फैब्रिक परचेस करे हैं, तो वो देखिए ये बनकर आ गए हैं। इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक आप कह सकते हैं, ये फ्लर मुझे बहुत पसंद है। दरअसल बीच में से इसमें ये तीन पीस में बनता है, इसका जो पूरा शेप है वो पूरा लॉन्ग वे है। आस्तीन इसमें मैंने फुल रखी है। इससे क्या होता है पता है, एक तो आपकी बॉडी जो है वो टोन दिखती है, स्लिम दिखती है, आप टॉल दिखते हैं ये पहनने से, क्योंकि देखिए मेरी जो है वो 5'2" हाइट है और 68 केजी अभी मेरा हाल फिलहाल वेट है। तो पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो मैं इस तरह की चीजें पहनती थी तो मैं और मोटी लगती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, मैं सूट पहनती थी। लेकिन अभी जो है वो शेप में है बॉडी, तो उस लिहाज से फिर जो है मैं ये चीज पहनती हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्टाइलिश भी दिखते हैं, आपको ये भी नहीं लगता है कि हम ओल्ड फैशन दिख रहे हैं। और जो मेरी फील्ड है उस लिहाज से मुझे थोड़ा सा जो है स्मार्ट लुक रखना पड़ता है, मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे रखना पड़ता है, तो उस लिहाज से मुझे ये ड्रेसेस जो है वो बेस्ट लगते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक है ये भी बहुत अच्छा है। पहला जो आपने देखा वो डबल जॉर्जेट था, और ये दूसरा जो है ये शिमरी टाइप से एक फैब्रिक है, और पर ये थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इनर वगैरह अगर मैं वियर कर लूंगी तो ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगा, और इतना शानदार कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये मैंने डे टू डे लाइफ के लिए ही बनवाए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं कहीं जाना है मुझे तो मैं चेंज करूं और फिर जो है मैं जाऊं, तो मैं वो चीजें घर में वियर करती हूं कि अगर सडनली कहीं जाना है तो मैं उठूं और चल दूं। ये देखिए मैडम के साथ हम जो है कैंडल लाइट खोपरा पाक खा रहे हैं। और क्या मैडम? बस बढ़िया, रिश्ता कितना प्यारा लग रहा है। शादी में आपका फेवरेट ये वाला लेना है मुझे ज्यादा, आपको जोन सा लेना वो ले लीजिए।